एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समर नॉट समर। आज हम लोग देखेंगे आलू गोभी की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। कटा हुआ टमाटर, 5 से 6 हरी मिर्च कटी हुई, 2 बड़े आलू, उसको एक साइज़ में काट लेंगे, 15 से 20 कड़ी पत्ता, 1 बड़ी साइज़ का कटा हुआ प्याज, फ्लावर लेंगे 1 बड़ा बन, कटा हुआ हरा धनिया, गरम मसाला छोटा टीस्पून, ज़ीरा छोटा टीस्पून, हल्दी पाउडर छोटा टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च लेंगे, 3 बड़े चम्मच तेल लेंगे, वो कढ़ाई में मीडियम आंच पर गरम होने देंगे, उसमें डालेंगे हम ज़ीरा, ज़ीरा को थोड़ा लाल होने देंगे, उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरे को अब हम फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा जब तक फ्राई करेंगे कि उसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, प्याज को नरम होने तक फ्राई करेंगे। होने के बाद इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और डालेंगे इसमें हम कड़ी पत्ता और दोनों को फ्राई होने देंगे। कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे आलू, आलू टमाटर अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। इसमें डालेंगे अब कटा हुआ गोभी, गोभी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले में पहले हल्दी डालेंगे, फिर गरम मसाला पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, ये लाल मिर्च पाउडर और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स होने के बाद इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, इसके बाद कवर कर लेंगे। ये सब्ज़ी में हमने पानी नहीं डाले हैं, सिर्फ स्टीम में बनी है ये सब्ज़ी। देखिए हमारी सब्ज़ी में आलू भी गल चुके हैं, गोभी भी गल चुकी है, सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार है। ये पूरी सब्ज़ी बनाने के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। हमारी आलू गोभी की रेसिपी पसंद आई होंगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ध्यान रखिए। बाय।